बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ साहब का शागिर्द। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सबको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखेगी और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगी। मेरे भाइयों, आज जो मैं अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, यह अमल मोहब्बत का जलाली अमल है। इस अमल को करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं, चाहे आपका महबूब संग दिल ही क्यों ना हो, चाहे आपका महबूब आपसे नफरत तक क्यों ना करती हो, चाहे आपका महबूब आपको छोड़कर किसी और से मोहब्बत क्यों ना करती हो, या आपको किसी से मोहब्बत है वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, आप चाहती हैं कि वो खुद आकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, आप उसको अपने काबू में करना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, आज जो मैं अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, एक बार अगर आप इस अमल को करते हैं जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा, वो पूरी ज़िंदगी आपके ही काबू में होगा, आपके वश में होगा, जैसे चाहेंगे वो वैसे करेगी, उसके दिलो गुमान में सिर्फ़ आपके लिए मोहब्बत होगी, वो आपके लिए जीने मरने को तैयार होगी। दोस्तों, इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बताता चलूँ, सबसे पहले आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखनी है, कम्प्लीट तरीक़ेकार समझनी है, उसके बाद ही आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपको 100% फ़ायदा होगा। अमल बहुत ही आसान है, इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। वैसे तो इस अमल को करने के लिए कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अमल को जुमेरात, जुम्मा या बुध के दिन करते हैं तो ये अमल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और याद रहे, ये अमल रात का अमल है, आपने इस अमल को रात के वक्त करना है, यानी रात के आपने 10 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान किसी भी टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट का अमल है। अमल के कुछ परहेज हैं जो आपने करने हैं। जिस दिन भी आप इस अमल को करेंगे उस दिन आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी और अंडा नहीं खाना, ठीक है दोस्तों। याद रहे, उस दिन आपने खाना अपने हाथ से बनाकर खाना है, क्योंकि आपने उस दिन इस अमल को करना है। अमल में करना ये है कि ये जो स्क्रीन पर नक्श आ रहा है, आपने इस नक्श को लिखना है। आपने याद रहे, इस नक्श को सुरख मार्कर के साथ लिखना है। जैसे जैसे लिखा हुआ है आपने सेम टू सेम इसी तरह इस नक्श को बनाना है। जब आप इस नक्श को कंप्लीट तौर पर बना लेंगे, उसके बाद ये नीचे फिलाम बिन फिलाम, जहाँ पर पहला फिलाम बिन फिलाम आ रहा है वहाँ पर आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है, और आगे जो दूसरा फिलाम बिन फिलाम आ रहा है वहाँ पर पहले फिलाम पर अपने महबूब का नाम और आगे बिन के बाद उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर आपको आपके महबूब की वालदा का नाम पता नहीं तो कोई बात नहीं, आपने पहले फिलाम पर उसका नाम आगे बिन ते हवा लिख देना है। अगर नाम पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपने इसको कंप्लीट तौर पर जलाना है। आप इसे किसी भी आग से जला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब आप इसे कंप्लीट जला लेंगे उसके बाद 24 घंटे में इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जिसके लिए भी करेंगे उसके वहम गुमान में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत होगी, वो पूरी ज़िंदगी आपका दीवानी बनकर रहेगी या दीवाना बनकर रहेगा, जैसे आप चाहेंगे वो वैसे ही करेगी या करेगा, वो पूरी ज़िंदगी आपके काबू में रहेगी, आपके लिए जीने मरने को तैयार होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा एक खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।